हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा, ये हमारी हिंदी कार्य पत्रक है 5th क्लास के लिए, और हमारी जो कर्म संख्या है वो है 155, और हमारी दिनांक है वो है 28 जनवरी 2021। तो बच्चों, आपको क्लास के बाद अपना सेक्शन भी लिखना है, ए है, बी है, सी है या डी है, इसको भी आपको मेंशन करना है। फिर आपको अपना नाम, ठीक है, और अपनी शिक्षक या शिक्षिका जो आपको पढ़ाती है उनका नाम आएगा। और बच्चे, हमारा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा दबाइएगा। शुरू करते हैं कि प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को ध्यान से पढ़ा, ठीक है, जिसमें कोको अलग अलग उपाय अपना कर अपनी चावल की रोटियों को बचाने की कोशिश करता है ताकि उसके मित्र उन रोटियों को ना खा पाएं। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, कुछ नया सीखते हैं, जैसे पंछी, मनपसंद, नहीं आदि। ठीक है, हमने ये पढ़ा बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण नाक से किया जाता है। दोबारा पढ़िए पढ़िए, पंछी, मनपसंद, नहीं, आप भी इनको बोलें। और इनको लिखने के लिए हमें बिंदु, ये ऐसा बिंदु, ठीक है, जैसे इस पे लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है, बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुस्वार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। ठीक है, अब जरा नाक को दबाकर बंद, बंदर, पंजाब और सुंदर बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोल पाए ना, ठीक है, आप भी क्या है, प्रयास कीजिए, नाक को दबाएं और क्या है, बोलिए। ठीक है, तो आप क्या है, नहीं दबा पाएंगे। ठीक है, तो जिन शब्दों का जो उच्चारण होता है नाक से होता है उनको क्या बोलते हैं, हम अनुस्वार। अब देखते हैं यहाँ पे कि अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, रोटियाँ, कहाँ, छिपाऊँ, बांस आदि। इन शब्दों का उच्चारण नाक में मुंह दोनों से होता है। जब आप बोलेंगे, देखो, रोटियां, छिपाऊं, ठीक है, इन्हें लिखने के लिए हम क्या है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार, जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, अब प्रश्न 1 है कि कोको को अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को पहचानने और उन्हें उच्चारण करने के लिए कठिनाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, आप पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों में सही बिंदु या चंद्र बिंदु जहाँ पे भी लगेगा उनके हमें मदद करने करते हैं। बहुत बुरी बात, मेरी माँ, माँ जो है, माँ पे हमारा क्या आएगा, चंद्र बिंदु। ठीक है, ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने, अब मैंने पे मैं के बाद बिंदी आएगी। ठीक है, जैसे मैंने, इस पे यहाँ पे बिंदी आएगी। ठीक है, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर जो बा है, बा का जो आकर डंडा है उसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। खाऊंगी, ठीक है, खाऊंगी क्या है, खाऊंगी पे आएगी ऊ के ऊपर आपका चंद्र बिंदु आएगा। खाऊंगी, मैं के ऊपर बिंदु आएगा सिर्फ। चार पापड़ लाई हूँ, हु के ऊपर चंद्र बिंदु। दो तुम्हारे लिए, दो मेरे लिए, सोचा था तुम्हारे, तुम्हारी चावल की रोटियाँ, रोटियाँ या के ऊपर चंद्र बिंदु, और मोटे पापड़ दोनों, दोनों के पीछे न के जो बिंदु उसके पीछे आएगा ये। ठीक है, का बढ़िया नाश्ता रहेगा, दोनों ऐसे आप दोनों। ठीक है, यहाँ पे क्या चंद्र बिंदु आएगी, यहाँ पे। ठीक है, इसको पहले आप पहले लाइन को आप कंप्लीट कर लो अच्छी तरह। ठीक है, अब आते हैं दूसरी लाइन पे। ठीक है, ये फूल, मेरी माँ, माँ पे मैंने क्या बताया, चंद्र बिंदु, आकर डंडे के ऊपर चंद्र बिंदु, वो चंद्र बिंदु को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है के है पे क्या है, बिंदी आएगी। ठीक है, उनके जिस्म पे, जिस्म में, मे के ऊपर बिंदी आएगी। फुंसियाँ, फुंसियाँ, फ के ऊपर चंद्र बिंदु, फुंसी और या के ऊपर चंद्र, ऐसे लिखना है आपको, फुन चंद्रबिंदु, सी या फुंसियाँ, इसके ऊपर चंद्रबिंदु। ठीक है, इस तरीके से निकल आती हैं और है के ऊपर सिर्फ बिंदु आएगी। ये हमारा क्या है, दूसरी लाइन पूरी होगी, तीसरी लाइन पे आते हैं। मेरी माँ, माँ के ऊपर चंद्रबिंदु, ये तो हमने पहले से पढ़ रहे हैं। ने नीला फूलदान मांगा, मांगा के ऊपर चंद्रबिंदु आएगा। ठीक है, मांगा था उस वक्त मेरे पास वह रंग, रंग र और ग के बीच में बिंदी आएगी, रंग नहीं के ऊपर, ह के ऊपर बिंदी आएगी, नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। आई पे कहाँ पे आएगा, जो ई की मात्रा है इसके बीच में चंद्रबिंदु आएगा, जैसे आई लिखा आपने, और कहाँ पे आ जाएगा, ई पे, ई पे
चंद्र बिंदु में सिर्फ बिंदी आएगी, ठीक है, बिंदी, ठीक है, इस तरीके से लगाना है। उनके जाने के बाद मुझे नीला फूलदान मिल गया, मैं के ऊपर बिंदी, उसे बदलने आया हूँ और चंद्र बिंदु, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी जो है चंद्र बिंदु और बिंदी की जो है प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्यारे बच्चों आए संगीता से मिलते हैं। ये क्या है? संगीता है। संगीता को अपने मन की बात अपनी डायरी में लिखना बहुत पसंद है। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी जो रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं वो डायरी में लिखते हैं। वह लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाती है। क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने के लिए कोशिश कर सकते हैं? ठीक है, और वाक्यों को बोलकर भी हमें पढ़ना है तो पूरा करते हैं। ठीक है, हमें जो है पूरा करना है। मेरा नाम क्या है? संगीता। हम यहाँ से लिख देंगे मेरा नाम संगीता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? संगीता। स्पेलिंग आप यहाँ से देख के लिख रहे अच्छी तरह से, वैसे मैं लिख ही रही हूँ। मेरा नाम संगीता है, मुझे रात के समय चांद, ये क्या है हमारा? चांद। इस पे क्या आएगा? चंद्र बिंदु। चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी, ये क्या है? परियां, परियों 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 की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे, ये क्या है? मूंगफलियां, मूंग फली, ठीक है, मूंग फली। स्पेलिंग बेटा ऊपर से भी देख सकते हैं आप। मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ, ये क्या है? जंगल, जंगल, जंगल में गई। वहां पर मुझे एक क्या मिला? सांप, सांप चंद्रबिंदु दिखाई दिया, उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तो हमने ये क्या है? हमने क्या है? संगीता की मदद करी और अपना हमने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, उसको पूरा करो, वाक्य को ही पूरा किया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ चावल की रोटियों में आए कि नहीं पांच अनुस्वार वे अनुनासिक शब्दों को हमें क्या है लिखना है? अनुस्वार क्या? हमने अनुस्वार क्या पढ़े थे? हमने अनुस्वार क्या पढ़े थे? ये रे, अनुस्वार क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ हमारी बिंदी आती है, ठीक है, अनुनासिक जिसमें हमारा चंद्र बिंदु आता है। तो हम शुरू करते हैं अपने पांच जो है, पहले अनुस्वार लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। हमारा आएगा प्रबंध, प्रबंध, ये हमारा पाठ में है प्रबंध। लंबे, इसमें सिर्फ बिंदी आई, लंबे ल के ऊपर बिंदी आएगी, लंबे, ठीक है। फिर हमारा क्या है? गेंदे, गेंदे, ठीक है। बंडल, अंदर, ये सारे आपके हमने किताब में से लिए गए क्योंकि हमें इस वर्कशीट में आए, उनसे अलग हमें लिखना है। अंदर, इनके जगह आप इन्हें भी लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या है? हमारे किताब में, हम तो मैंने आपको 6-7 बता दिए हैं, ठीक है। करंट भी था आपका एक वर्ड, करंट, हम करंट, ठीक है। तो ये आप लिखे अपने, ये क्या है? अनुस्वार, जो सिर्फ हमारी नाक से बोले जाने वाले हमारे शब्द हैं। अब हम लिखते हैं अनुनासिक, जो हमारा क्या है? मुंह और नाक से दोनों से बोले जाते हैं। हम लिखना शुरू करते हैं मूछे, ठीक है, मूछे, ये चंद्रबिंदु आ रहा है। ऊ, ये भी आपका एक वर्ड है, ऊ, ठीक है। फिर है मांगेगा, मांगेगा, ऊंचाई, ये सारे आपके किताब में से हमने ली गए। दूंगा, पांच होगा, इसके अलावा भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ढूंढने, ढूंढने, मुंह, मुंह, ठीक है। तो हमने क्या है? आप कहा, ये भी लिख सकते हैं आप, जरूर ने पांच लिखे, जितने आप बता रहे हैं उतने आप लिख दिए। ये आप ना, हमने क्या है, सारे आपको पांच से ज़्यादा हमने बता दिए, ठीक है। तो अब आप अच्छे से अपनी वर्कशीट पूरी करना बच्चों। और अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है कि बच्चों के साथ खेल खेल में जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की को अपनी नाक बंद करके बोलने को कहें और बच्चों को इस खेल का आनंद उठाने को कहें। इस प्रकार COVID-19 के इस कठिन दौर में भी हम स्वयं को तनाव मुक्त रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम गेम अगर पढ़ाई में ले आए ना, तो हमारी जो पढ़ाई होती है बहुत अच्छी हो जाती है।
ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी। तो बेटा लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं, साथ में हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, और उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी वर्कशीट देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, कोविड 19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।